पार्टनरशिप ब्रेकर। भारतीय क्रिकेट में केदार जाधव को मिली एक ऐसी ख्याति जिससे न सिर्फ केदार जाधव के करियर को एक नई दिशा मिली बल्कि केदार के करियर को स्थापित करने में भी पार्टनरशिप ब्रेकर के तमगे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और दोस्तों, आज की वीडियो में पार्टनरशिप ब्रेकर केदार जाधव की ही बात करते हुए हम आपसे साझा करने वाले हैं 2014 से 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तय किए गए केदार जाधव के क्रिकेट सफर की यादों को। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज क्रिक माइंड पर देख रहे हैं। केदार जाधव 29 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिनकी मौजूदगी में भारतीय टीम का विनिंग परसेंटेज 80% तक रहा। अगर हम केदार जाधव की कहानी शुरू से शुरू करें तो उनकी कहानी आरंभ होती है 26 मार्च साल 1985 से। इसी दिन केदार का जन्म पुणे महाराष्ट्र के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पिता महादेव जाधव और मां मंदाकिनी जाधव के घर हुआ। केदार जाधव अपनी 3 बहनों में घर के सबसे छोटे सदस्य थे। एक और जहां केदार जाधव की बहनों ने किताबी शिक्षा को अपना आधार बनाकर अपने करियर को एस्टेब्लिश किया, वहीं केदार जाधव ने अपने भविष्य को एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का निर्णय किया। बात करें केदार जाधव की शुरुआती पढ़ाई की तो केदार जाधव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा MIT हाई स्कूल से की। केदार अपने स्कूलिंग के दौरान पढ़ाई में काफी होनहार स्टूडेंट रहे, साथ ही स्पोर्ट्स में भी केदार जाधव पूर्ण प्रतिभा के धनी रहे। विशेषकर क्रिकेट खेल में केदार जाधव की एक अलग ही रुचि थी। अपने बचपन में केदार किसी भी गोल चीज के हाथ लगने पर गेंदबाजी का अभ्यास करने लग जाते और शायद यही अभ्यास उनकी गेंदबाजी कला राइट आर्म ऑफ ब्रेक का मुख्य आधार साबित हुआ। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद से केदार जाधव ने क्रिकेट को ही अपना करियर बनाने का निश्चय लिया और जल्द ही उनके टैलेंट को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम में उन्हें जगह भी मिल गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ साल तक खेलते हुए एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर केदार के टैलेंट में कुछ सुधार आया और फिर साल 2004 में केदार जाधव को महाराष्ट्र क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। यहाँ तक तो केदार का क्रिकेट सफर उनकी प्रतिभा के अनुकूल लयबद्ध तरीके से चलता रहा, लेकिन इसके बाद से उनका क्रिकेट सफर इतना आसान नहीं रहा। घरेलू टीमों में शानदार प्रदर्शन और बेहतर आंकड़े होने के बाद भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन साल 2010 में IPL जैसे बड़े मंच पर दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से उन्हें अपनी प्रतिभा का पराक्रम विश्व के सामने रखने का मौका मिल गया और इस मौके को दोनों हाथों से बटोरते हुए केदार जाधव ने अपने पहले ही IPL मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 29 बॉलों में 50 रन बनाकर अपने चयन को सही साबित कर दिया। और IPL में आगे चलकर केदार जाधव ने कोच्चि टस्कर्स केरला, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स जैसे अलग अलग IPL टीमों की तरफ से खेलना जारी रखा। इसके बाद साल 2012 में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी में 327 रन बनाकर अपना पहला 13 शतक भी केदार जाधव ने अपने नाम किया और ऐसा स्कोर बनाने वाले महाराष्ट्र के दूसरे बल्लेबाज भी बन गए। जाधव ने कीर्तिमान पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ रन बनाकर रचा था। इतने रन बना लेने के बाद केदार जाधव अंतर्राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर में भी आने लगे थे। हालांकि भारतीय क्रिकेट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जगह बना पाना केदार के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था और आखिरकार 13 शतक जैसे बड़े अचीवमेंट के बाद भी केदार को भारतीय क्रिकेट टीम में कोई भी स्लॉट नहीं मिल पाया। एक क्रिकेटर के तौर पर इस बड़ी नाकामयाबी के बाद भी केदार जाधव ने अपनी उम्मीदों को जारी रखा और 2013-14 के रणजी ट्रॉफी में जाधव ने शानदार प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं को अपने बल्ले से जवाब दे डाला। इस सीजन में केदार जाधव ने 6 शतक के साथ 1223 रन अपने नाम किए और इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की ख्याति भी केदार जाधव के नाम ही रही। इस दौरान वह रणजी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में नंबर 4 पर थे। जाधव के इसी ताबड़तोड़ प्रदर्शन के बलबूते ही 1993 से पहली बार महाराष्ट्र की टीम रणजी के फाइनल मुकाबले में पहुंच सकी थी। घरेलू क्रिकेट में केदार जाधव के इस जानदार प्रदर्शन के बाद सिलेक्टर्स भी उन्हें नजरअंदाज न कर सके और 8 जून 2014 में बांग्लादेश दौरे के लिए उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया, लेकिन उन्हें सीरीज में एक मैच भी खेलने का मौका नहीं मिला। नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे इंटरनेशनल मैचों में उन्हें फिर से टीम में शामिल किया गया और यह केदार जाधव को 5वें मैच में पदार्पण का मौका मिल गया और अपने पहले मैच में केदार जाधव ने 24 बॉलों में 20 रनों का योगदान अपनी टीम को दिया। श्रृंखला में भारत ने पहली बार श्रीलंका को 5-0 से हराया था। केदार जाधव ने अपनी अगली सीरीज साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली और हरारे में खेले गए तीसरे मैच में जाधव ने 87 गेंदों में नाबाद 105 रन बनाकर अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया। भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से जीती थी और केदार जाधव ने अपना पहला T20 मैच भी इसी दौरे पर खेला। इस तरह 29 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले केदार जाधव को जब भी मौका मिला उन्होंने अपने देश के लिए अपनी प्रतिभा का पूर्ण मुजाहरा पेश किया। जनवरी 2017 में केदार जाधव ने इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 76 गेंदों पर 120 रन बनाए
और उस समय उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ मिलकर 200 रन की साझेदारी बनाकर पुणे के एमसीए स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल की थी। इसी श्रृंखला में जाधव ने तीसरे मैच में 76 गेंदों पर 90 रन बनाए, जिसकी वजह से भारत को 320 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने में काफी मदद मिली। लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर जाधव आउट हो गए और भारत यह मैच हार गया। मगर अपने प्रदर्शन के बाद जाधव ने अपने लिए मिडिल ऑर्डर में जगह बना ली थी। इस श्रृंखला में केदार जाधव को मैन ऑफ द सीरीज से भी सम्मानित किया गया। साल 2017 में इंग्लैंड में खेली गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाधव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस समय जाधव भारतीय टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह पक्की होने के बाद जाधव की गेंदबाजी में भी काफी निखार आया और अपनी गेंदबाजी कला से ज्यादातर टॉप ऑर्डर में खेलने वाले बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाकर पार्टनरशिप ब्रेकर का तमगा भी अपने नाम हासिल करने में केदार जाधव कामयाब हो गए। खास तौर पर साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दौरे पर केदार जाधव द्वारा किया गया बॉलिंग पर प्रदर्शन उन्हें सही मायनों में एक पार्टनरशिप ब्रेकर गेंदबाज के तौर पर स्थापित कर गया। और अब यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केदार जाधव द्वारा हासिल किए गए आंकड़ों की, तो जाधव ने एक दिवसीय क्रिकेट में 73 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 6 अर्धशतक और 2 शतकों के साथ कुल 1389 रन है। वहीं बात करें वनडे क्रिकेट में जाधव के सर्वाधिक स्कोर के बारे में, तो उनका सर्वाधिक स्कोर 120 रन का है, जो उन्होंने 15 जनवरी 2017 को पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। वहीं साल 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाधव अपनी गेंदबाजी से 27 विकेट भी अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में केदार ने 9 मैचों में अपनी उपलब्धि दर्ज करवाई, जिनमें उनके रन कुल 122 रहे। भारतीय टीम में एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर बेशक केदार जाधव के आंकड़े सराहनीय रहे, लेकिन साल 2019 के अंत तक टीम में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जैसे बेहद ही प्रतिभावान खिलाड़ियों की जगह बन जाने के कारण केदार जाधव लगातार टीम से दूर होते चले गए। और फिर एक ऐसा दौर भी आया जब केदार जाधव फाइनल 15 में भी अपना स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाए और इस तरह साल 2020 तक केदार जाधव टीम से पूरी तरह ड्रॉप कर दिए गए। बहरहाल क्रिकेट के अलावा बात करें यदि केदार जाधव के निजी जिंदगी के बारे में, तो केदार की शादी इंडियन वीमेंस क्रिकेट की प्रथम श्रेणी स्तरीय क्रिकेटर स्नेहल प्रमोद से हुई, जिनसे उनकी एक बेटी भी है। भारतीय क्रिकेट टीम में केदार जाधव की वापसी का रास्ता शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आरआरटीबी की पूरी शुभकामनाएं केदार जाधव के साथ हैं। तो दोस्तों, केदार जाधव की कहानी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप भी क्रिकेट के बहुत जबरा फैन हैं तो हमारे नए फेसबुक पेज क्रिक माइंड को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।